कोरोना का बड़ा हमला, एक ही दिन में दुनिया भर में 2,08,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। कोरोना वायरस से हलाकतें 5,24,176 हो गई हैं, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 1,09,90,249 तक जा पहुंची है। कोरोना की वबा में कमी आने के बजाय मजीद शिद्दत आ गई। अमेरिका में एक ही दिन में 57,000 और ब्राजील में 48,000 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,09,90,249 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 5,24,176 हो गई हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,31,485 अफराद मौत के मुँह में जा पहुँचे, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 28,37,189 हो चुकी है। 11,91,091 मरीज अब तक शफायाब हो चुके हैं। ब्राजील में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,01,353 तक जा पहुंची, जबकि वायरस 61,990 जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 9,683 हो गई, जबकि मरीजों की तादाद 6,61,185 हो चुकी है। भारत में कोरोना से 18,225 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 6,27,168 हो गई है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 43,985 हो गई, जबकि केसेस की तादाद 2,83,757 हो चुकी है। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 34,818 हो चुकी है। वायरस के अब तक कुल केसेस 2,40,961 रिपोर्ट हुए। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,97,183 मुसद्दका मुतासरीन सामने आए, जबकि इस वबा से अमवात 28,368 हो गई है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 11,106 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 2,32,863 हो गए हैं।